Rishi, अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं. इतनी अच्छी ग्रैंड एंट्री चल रही थी और आपने एकदम साइड में. भाई तेरा क्या क्या है? मेरे से क्या चाहते हैं तू? सर, जैसे कि सब जानते हैं कि सानुदा मतलब रोमांस के किंग हैं हमेशा से. जब से जिन जिन एक्टर्स को उन्होंने अपनी आवाज दी है वो हिट हो गया, मतलब हमेशा से. तो मैं उनसे एक टिप्स लेना चाहता था कि उनसे मैं पूछूं कि अगर मुझे किसी को प्रपोज करना है आज तो मैं कैसे करूं. एक मिनट, मुझे किसी को प्रपोज करना है आज? तुम इतने नर्वस क्यों हो यार? तुम प्रपोज करने वाले हो तो. अरे उसका शरीर देख यार, नर्वस क्यों नहीं होगा? तू नर्वस रहो, नर्वस रहो, तू नर्वस है, कोई बात नहीं. सानुदा की टिप्स के बाद सारी नर्वसनेस चली जाएगी और तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे पास चली आएगी. बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को. 14 फरवरी तो चली गई, क्या आज हिम्मत करके दर्शन देगा जिनका सीक्रेट दीवाना, या हो जाएगा डरपोक बॉयफ्रेंड्स के गैंग में भर्ती हीरोइन मटेरियल विदिप्ता चक्रवर्ती. तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा. ऋषि और चिराग, शायद आप दोनों जानते नहीं हैं कि हम लोग 90's में टेप रिकॉर्डर्स पर गाने सुनते थे और उनमें कैसेट्स बजते थे. आज जब तक विदिप्ता परफॉर्म करेंगी आपको दो कैसेट्स दिए जाएंगे जिनके रील्स निकले हुए हैं. परफॉर्मेंस तक जिसने रील कैसेट में डाल दी वो लड़कियों का दोस्त, जो ना डाल पाया वो देश की सारी लड़कियों का भैया, विदिप्ता का भी. हमारा पूरा जो फैमिली है ना, बहुत बड़ा फैमिली है हमारा, तो पूरा फैमिली आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन है. और सर, इवन आपका तो कुछ कुछ बिल्डिंग में तो आपका फ़ोटो भी लगा हुआ है, इतने बड़े फ़ैन है. बट खाली फोटो ही लगा हुआ है ना? yes, मैं हार बार चढ़ा हुआ नहीं ना. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सर, तो हमारा एक इच्छा था, क्या आप दो लाइन हमारे साथ गाएंगे? हो जाए दादा. तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है. हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है. थैंक यू सो मच. वाओ वाओ. और मीनवाइल चिरू एंड ऋषि, वो कैसेट की रील का क्या अपडेट है जरा दिखाइए. दोनों में से विनर कौन था? सर, ऋषि. क्या बात है ऋषि, मुबारक हो, आप जीत गए हैं. और आपको मिलती है वो कैसेट जो आपके हाथ में है. तालियां. जी तो जी के से.
एक सेकंड बैंड 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 गिरीश भाई एक दरख्वास्त से आप चालू रखो सानू दादा मैम प्लीज दो लाइन इसी गाने का मेरा बहुत फेवरेट गाना है प्लीज कम ऑन कम ऑन जिए तो जिए कैसे है बिन आपके जिए तो जिए कैसे तो और फिर आउटस्टैंडिंग कमाल गाया तुमने बहुत ही अच्छा गाया वेरी वेरी सेकंड गाना तो मतलब रॉक्ड इट क्या बात इतना फील था तुम्हारे गाने में हर लाइन पे फैंटास्टिक सिंगिंग और ये तो तानपुरा साथ लेके घूमते हैं लेकिन इसका और एक साइड मैं आज बताऊंगा लोगों को मैं जानता हूं जो अच्छा ओहो कौन सा वाला दादा ये कोई भी गाना मैं उसको बोलूंगा वो उसको सरगम के साथ गा देगा अच्छा यस अरे वाह कर सकोगे ना कुत्ते पारबे तो जोड़े जोड़े हैं बोलो है। पारबे ना समझ लो कि यही गाना समझ लो जिए तो जिए कैसे तुम एक बार सरगम के साथ गा दो गामा पापा धा नीर सनी धा सधा सदा पादा पमा माधा पापा मतलब सरगम गाना एक बात है लेकिन मुर्की का भी सरगम करना ये नया इनक्रेडिबल दादा हाँ ये देखो। तो आप नया हुनर बताकर जा रहे हैं सोनाक्षी का अम्माल है सोनाक्षी आपने मौसम बदल दिया ऋषि कि तेरे को जो मैंने बैक स्टेज में जो टिप वगैरह दिया तेरे को जी तो उसका तू क्या किया सर बस एक मिनट लिखिए मैं लेके आता हूँ उसको अच्छा लेके आएगा जरूर कुछ अच्छा लाया होगा देखते हैं अरे वाह बलून क्या बात है वाह 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 मेरे पास ला कमाल है दो दिल मिल रहे हैं दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के हाँ दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के हाँ सबको रही है हाँ सबको हो रही है खबर छुप के ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के तेरी चुनरिया दिल ले गई दादा हो जाए सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई से वो धीरे धीरे पागल हुआ
सानुदा, हाँ? मुझे आपसे कुछ कहना है। कह डालो। पर मैं ऐसे ही नहीं कहूंगा दादा। कैसे कहोगे? मेरे 90's का फोन मंगवाई। हेलो सानुदा, केमन आछो? अबे रिंग बजने दे। वंस मोर। हाय हेलो। अरे सानुदा नमस्कार। नमस्कार केमन आछो? नमस्कार नमस्कार भालो केमन आछिस तुई भाई? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या फर्स्ट क्लास? क्या दादा, अरे जोर से बोली, सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा क्या? सानुदा आपको कभी प्यार हुआ है? काफी हुआ। कितनी बार हुआ सानुदा? काफी 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 बार हुआ। I'm not afraid to die.
मैं कुछ टिप देता हूँ तुम लोगों को. चलो तुम लोग सब एक साथ आ जाओ मेरे पास, मैं देता हूँ. सब एक साथ आ जाओ. अरे ऐसा क्या बताने वाले दादा? हाँ, गला ठीक होने का जो मैंने जो तरकीब किया था, मैंने गला ठीक करने का, उसके लिए मैंने तुम लोगों के लिए ये लाया. तुम लोग सब आपस में बांट के खा लो, सबका गला ठीक है. चलो ले जाओ. ये तो वो कोला है जो हम 90's में खाते थे. Oh my God. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे. अभी क्या होता मालूम है, बचपन में जो हम लोग गाना गाते थे ना. जी दादा. एक एक दोस्त ने चैलेंज करके ना बोलता, एक एक गाना गाएगा तो एक एक चुस्की कोला मिलेगा. वाह दादा, क्या आइडिया दिया है आपने, एकदम कमाल है. आज सानुदा ने वो यादें ताजा कर दी जो 90's में हम लोग आशिकी के गाने सुनते वक्त वो चुस्की कोला के साथ मजे लिया करते थे. ओह माय गॉड. और ये बच्चे देखो आज वो पूरा मौसम रिक्रिएट कर रहे हैं. खाइए बच्चों, खाइए और खाइए. थैंक यू सो मच सानुदा, आपने बचपन की याद दिला दी. क्या बात है. अच्छा गाया है और सबसे मुझे अच्छा लगा, एक तो दूसरा गाना तो माइंड ब्लोइंग, इट वॉज रियली रियली माइंड ब्लोइंग. और तुम्हारी आवाज़ भी इतनी खनक है जो बहुत मतलब बहुत साल गाने के बाद जो एक टोन डेवलप होता है वैसे तुमने आज गाया. बहुत बहुत अच्छा गाया. वेरी नाइस. 90's में प्यार का इजहार कैसे होता था सर? एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानेगा? नहीं बिल्कुल नहीं सर. तेरा डैडी को एक बार पूछ लेना ना. वो भी तो 90's का था. ऐसा टिप्स दूंगा कि वो लड़की की तरफ तुम मुंह उठा के नहीं देखोगे कभी. क्या बोल रहे सर? लड़की तुम्हारे तरफ देखते रहेंगे. मैंने पहले एक जन को देख के ऐसा बोला था कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा. बोला था ना,
मैं गाया था रोमांस करके, रोमांटिक करके. तू गा के बता चल. ये प्रपोजल का पहला अक्षर है, रोमांटिक होके गाना एकदम. वहां क्यों देख के गा रहे हैं, सही जगह देख के गाइए. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. साथ मेरा ओ हमनवा. क्या बात है. तू पूरा गाना जिसको देख के गाया, वही तेरा टारगेट है क्या? तुम किसको देख रहे थे? नहीं नहीं, वो जिसको देख के पता चला मेरे को. नाम नहीं लेना चाहते तो मत लो. लेकिन वो भी सीरियसली देख रहा था. तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, चिराग कोतवाल. ये यहाँ भी ऐसा ऐसा कर रहा था, वहां पे जाके भी ऐसा ही ऐसा कर रहा है. कोई परिवर्तन नहीं है तेरा, थोड़ा सा करना पड़ेगा ना यार, समझा कर. मैं तेरे को करके बताता हूँ, अभी तू पीछे से कर. काली काली आंखें, ये गोरे गोरे कान, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे कान, ये तीखी तीखी नजरें, ये
ये हिलनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये हिरनी जैसी चाल। ओ हो हो, चिराग आपने मौसम बदल दिया। Fantastic singing, वाह वाह वाह। Thank you. तुमने जो improvise किया इसमें, वो मेरे को और अच्छा लगा। बहुत जबरदस्त। Fantastic. Thank you sir.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.